Hello students, let's see this question. Tobacco plants resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produces in the host cells. Options are both sense and antisense RNA. B hai particular hormone, C hai antifidant and D hai toxic protein. ठीक है? So, in the question, they are asking कि जो tobacco plants होते हैं, जो nematode resistant tobacco plants होते हैं, वो कैसे बनाए गए हैं? They have been developed by the introduction of DNA that produces in the host cell. So, host cell में वो क्या produce करते हैं? ठीक है? तो देखते हैं, हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो basically जैसे आप, क्योंकि हम plants के साथ deal कर रहे हैं ना, तो टी आई प्लाज्मिड लेंगे. ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें आपका दोनों स्ट्रैंड रहेगा, सेंस भी और एंटी सेंस भी. सो इसका क्या मतलब है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आपको पता है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो 3' to 5' 5' टू 3'. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये नीचे वाला हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो हो जाता है सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करते हैं ना, हम इसमें ऐसे करके दो ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऐसे जीन्स दो इनकॉर्पोरेट करते हैं हम ऐसे जीन्स कि हमारा जो दो ये बने एमआरएनए इसमें बने ना, हमारा एंटी सेंस एमआरएनए भी बन जाए और सेंस एमआरएनए भी बन जाए, दोनों बन जाए. और दोनों क्यों बना रहे हम, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो बाइंड कर जाएगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, है ना. और एक बार अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो वो ऑटोमेटिकली आरएनए इंटरफेरेंस को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, फिर हमारे डाइसर प्रोटीन्स हो जाएंगे एक्टिव, उसको काट देंगे, माइक्रो आरएनए बनाएंगे, आर्गोनॉट प्रोटीन्स उनको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे जो एक्चुअल एमआरएनए के साथ जो इंसेक्ट का जो नीमाटोड का है उसके साथ बाइंड करेगा और उसकी साइलेंसिंग कर देगा. तो ये इसके पीछे की कंसेप्ट है. ठीक है, So, क्या होगा यहाँ पे जवाब, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. ऑप्शन बी में दिया है पर्टिकुलर हार्मोन, तो हार्मोन की मदद से तो हम नेमाटोड को रेजिस्टेंट नहीं बना रहे हैं ना, कोई पर्टिकुलर हार्मोन कोई लिया हुआ है हमने तो नहीं. एंटीफीडेंट, एंटीफीडेंट वो होता है जो कुछ प्लांट्स रिलीज करती हैं ताकि उन पे इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर पाए, जैसे कि एल्कोलॉइड्स और कुछ सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज करती है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलीज तो हो नहीं रहा है, हमने तो रेजिस्टेंट बना रखा है ना, तो ये तो गलत हो गया. टॉक्सिक प्रोटीन, तो प्लांट क्या कोई टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा. तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक.